दीवान ठाकुर शक्ति सिंह की जय हो। सुना है कि आजकल तुम्हारी शैतानी ताकत के आगे बड़े बड़े शैतानों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। मैं तो निर्बल था दीवान साहब, आपने मुझे सहारा दिया तो मैं बलवान बना। अगर आप मुझे कानून, पुलिस, अदालत और फांसी से न बचाते तो मैं जिंदा न बचता। और अब हम चाहते हैं कि हमारे सौतेले बड़े भाई और भाभी जिंदा ना रहे। कौन? ठाकुर अर्जुन सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी, जो हमारी सारी खानदानी दौलत और मिल्कियत के मालिक बने बैठे हैं। अगर वो जिंदा रहे तो मैं सारी जिंदगी दीवाना ही रहूंगा और एक दिन दीवानी करते करते फुल एंड फाइनल दीवाना बन जाऊंगा और मेरे यहां पैदा होने वाले साले सब दीवाना ही होंगे। मैं ये दीवान की कतौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और इससे पहले कि अर्जुन सिंह के घर में नई नस्ल का दौर शुरू हो जाए, उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से उनके खानदान का वारिस पैदा हो जाए, उन्हें खत्म कर दो। मालकिन ठीक कह रही है सरकार, इस समय आप अपने होने वाली संतान की फिक्र कीजिए और पीछे के रास्ते निकल जाइए। अर्जुन सिंह किधर? कहां है तेरा ठाकुर अर्जुन सिंह? नहीं बताऊंगा, हरगिज़ नहीं बताऊंगा। शैतान सिंह नहीं सुनने का आदि नहीं है। बस शर्दा बस, अब हम पहुंच गए प्रताप सिंह के घर। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, ठाकुर साहब, प्रताप सिंह, दरवाजा खोलो प्रताप सिंह। ठाकुर साहब आप प्रताप सिंह, इस समय तुम्हारी पत्नी कहाँ है प्रताप सिंह? वो तो मायके गई हुई है। ओह, क्या हुआ ठाकुर साहब? प्रताप सिंह ठाकुर एंड गर्भवती है प्रताप सिंह। आप ऐसा कीजिए, ठकुराइन माँ को अंदर ले जाइए, हम दाई माँ को बुला के लावत है। हाँ, घबराओ नहीं, धीरज रखो। जुड़वा बच्चिया? हाँ ठाकुर साहब, जुड़वा हम शक्ल दो लड़कियां पैदा हुई हैं। आपके खानदान के वारिसों के जन्म से ये धरती पवित्र हो गई, इस गरीब की कुटिया का मान बढ़ गया। ठाकुर साहब, प्रताप सिंह, सोचता हूँ क्या इनाम दूं तुम लोगों को इस खुशी के मौके पर। ठाकुर साहब, ये लो। मुबारक हो शारदा। आपको भी मुबारक। ये लॉकेट कैसे है मालिक? सूर्यवंशी खानदान की पहचान है ये लॉकेट प्रताप सिंह। लगता है शक्ति सिंह के कुत्ते हमारे पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। तुम एक काम करो प्रताप सिंह। जी मालिक। मेरी पत्नी और बच्चियों को लेकर यहां से कहीं दूर चले जाओ। मैं आपका अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर आपको कुछ हो गया तो। और अगर तुमको और हमारी बच्चियों को कुछ हो गया तो तुम्हें मेरी सौगंध शारदा। बाहर निकल अर्जुन सिंह, मेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। शैतान सिंह, मौत तेरे सर पर खड़ी है। मौत तो तेरी गर्दन पर सवार है ठाकुर, फेंक दे बंदूक। देख ले ठाकुर, इसे कहते हैं शतरंजी चाल।
कैसे फंसा हमारे शिकंजे में। संभालिए मालकिन, मालकिन शक्ति सिंह के आदमी सर पर आ पहुंचे हैं, आप घाटी में उतर चलिए, आइए मेरे साथ, आइए आइए मालकिन, संभाल के मालकिन। वो लोग घाटी में उतर गए, घोड़े छोड़ दो और पीछा करो। जी सरदार। मालकिन इनसे बचने का एक ही तरीका है, आप बच्ची को लेकर दाई तरफ चले जाइए, मैं इन्हें बाई तरफ ले जाता हूँ। लेकिन बच्ची, ये हमारी छोटी मालकिन है, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए जाइए। अर्जुन सिंह के खानदान का वारिस किसके पास है? भैरव सिंह जी, तुम प्रताप सिंह के पीछे जाओ, मैं ठकुराइन को देखता हूं, जाओ। अच्छा सरदार। साहब की अमानत है, संभालो इसे। ये लॉकेट ठाकुर साहब और ठकुराइन ने अपने हाथों अपने हमशक्ल जुड़वा बेटियों के गले में पहनाए हैं। लेकिन ठकुराइन जी और ठाकुर साहब? ठाकुर साहब के सोतेले भाई शक्ति सिंह ने जायदाद पर कब्जा करने के लिए डाकू शैतान सिंह के हाथों ठाकुर साहब का खून करवा दिया। हाय राम। और बेचारी ठकुराइन अपनी दूसरी जुड़वा बच्ची की जान बचाने के लिए दुश्मन की जान के पीछे पड़े हैं। तुम ऐसा करो, इसको अपने मामा के घर ले जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ जाओ जाओ। अच्छा जागीरदार शक्ति सिंह की जय हो। जागीरदार शैतान सिंह, हमारे कान तुम्हारी जबान से ये क्या सुन रहे हैं? वक्त की आवाज सुन रहे हैं। जब तक अर्जुन सिंह जिंदा थे, आप दीवान जी कहलाते थे, और आज जब हमारी बंदूक की गोलियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जागीरदार की पदवी के पूरे हकदार आप हो गए। शाबाश शैतान सिंह, शाबाश। आज तुमने अपने नाम की लाज रख ली, लेकिन उसकी पत्नी ठकुराइन और वो बच्ची, उसके खानदान का वारिस, उसका बच्चा जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी, उसे इतनी ऊंचाई से पानी में गिरा दिया है कि उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। जय हो शैतान सिंह की जय हो। सोनिया ये सौतेले भाई, भाभी
और बच्चे की मौत के नाम। कामयाबी का जाम आपके किस्मत के नाम। चीयर्स। प्रभु, हमारी दूसरी बेटी प्रताप सिंह के पास सही सलामत रहे, सही सलामत रहे। हे भगवान, मेरे पति जहां भी हो खैरियत से हो, और ठकुरान जी जिनका हमने नमक खाया है, जिनके बच्चे हैं, भगवान करे वो भी सही सलामत हो। हे देवी माँ, जिस दिन मुझे मेरी दूसरी बच्ची मिल जाएगी, मैं ये नारियल अपने हाथों से तेरे मंदिर में आकर चढ़ाऊंगी। हे माँ, मेरी बच्ची से मुझे मिला दे, मेरी बच्ची से मुझे मिला दे। हे देवी माँ, एक माँ की ममता की और कब तक परीक्षा लेती रहेगी? वर्षों इंतजार में बीत गए, मेरी दूसरी बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। माँ, माँ तू रो रही है? अपनी मजबूरी और गरीबी पर आंसू बहा रही हूँ। नहीं माँ, जिसकी इतनी बड़ी बेटी हो उसे किस बात की मजबूरी, और रही बात गरीबी की, तो तेरी ये बेटी बिजली अभी सड़कों पर नाच गाकर पैसे ले आएगी। अब हंसते हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है, राजमहल की बेटी आज तमाशा बन गई। छाती ना चले जाइयो।
तेरा, ये इसका, ये मेरा, ये बिजली का, ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये बिजली का, ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये बिजली का। अरे लक्ष्मी कृपा पाया। अच्छा हुआ तुम्हारे सर पे पैर नहीं रखा, आइंदा बिजली के नाच गाने में चोरी चकारी की तो याद रखना। कमाल है, पहले आंख मार दे फिर। पहले तो आंख मारी थी, अब घूसा मारूंगी। अरे भागो भागो यार। आप लोग अपने अपने पैसे रख लीजिए। बड़ी पहले तो अपने चोर मंडले तो चोरी करा। चल चल। अरे नहीं, अरे बिजली भाग। अपने अपने पैसे उठा लो। अरे खाली टांगा, भाग चल बिजली। चल। अरे 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 ओ पागल, मर जाएगी। अरे किली नहीं है उसमें। चल चल जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे पैसा निकल जाएगा। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे मेरी मोटरसाइकिल। अरे प्रेमिका को कले से लगा लिया। तो प्रेमिका की ऐसी की मेरी टांग। देख मैं अपनी टांग तोड़ लूंगी। अरे तो तोड़ ले। अपनी जान दे दूंगी। दे दे। तेरे घर आ जा। अरे तो आ जा। आ गई। मेरे घर आएगी? खबरदार तुम मेरे घर आई तो। आऊंगी, 100 बार आऊंगी। चाबुक से मत। अरे तेरे चाबुक से भी प्यार, तेरे हंटर से भी प्यार। जो करना है कर ले दिलदार। दूर रह, दूर रह, दूर रह। माँ बचाओ। विजय ये पिस्तौल? हाँ? क्या हुआ विजय? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? मैंने अक्सर तुम्हें देखा है, तुम्हें जब भी किसी की चीखों पुकार या फरियाद सुनाई देती है तुम अपने आप पर से अपना काबू खो बैठते हो। क्या बात है विजय? बिजली मुझे मुझे माफ कर दो बिजली, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे माँ, आज बत्ती जलने से पहले ही पूजा? पूजा नहीं,
प्रार्थना कर रही थी बेटी तेरी सलामती का। जा जल्दी से मुंह हाथ धो ले, फिर टीका लगा दूं तेरे माथे पर तेरे जन्मदिन का। माँ, मैं तुझसे हर जन्मदिन पर एक ही सवाल पूछती आई हूँ कि तू हर साल टीके की दो थालियां क्यों सजाती है? एक थाली तेरे नाम की और एक। माँ, एक खून, डॉक्टर ने आया का? डॉक्टर बेचारा क्या करेगा बेटी, बुढ़ापे में इतना ही बीमारियां, मेरा तो चल चलाओ का समय आ गया बेटी। बस तू हमेशा अपनी मौत को बुलाने की तैयारी में लगी रहना, लेकिन इतना याद रखना मैंने भी तेरी मौत से पंजा लड़ाने की कसम खाई है, समझी? हे भगवान, तू अच्छी तरह जानता है कि ठकुराइन की जमानत को मैंने अपनी बेटी समझकर पाला है। हे प्रभु, तूने माँ से जुड़वा बहनों को जुदा किया था, उससे एक ही प्रार्थना है, अब तू ही माँ से इन जुदा हुई बच्चियों को मिलाना। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी माँ को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। तू चल, मैं जरा ठाकुर साहब की कुतिया देख के आता हूँ। आइए मुनीम जी। ठहरिए डॉक्टर साहब, इंसान की जान कुत्ते की जिंदगी से ज्यादा कीमती होती है। डॉक्टर साहब चलिए मेरे साथ। रूपा, ये मेरी नौकरी का सवाल है, ये मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। चलिए मेरे साथ। मेरी नौकरी, चलिए मेरे साथ। मुंह खोलिए। मेरी माँ को तो कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर साहब, इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, दवाइयाँ लिख दी हैं, शुरू कर दो और हालत सुधरते ही शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। इतने पैसे कहाँ से? हाँ, इसको बेचकर। अरे ये हार तो बहुत कीमती दिखे है। मुझे इसकी कीमत नहीं, थोड़े से पैसे चाहिए माँ की दवाओं के लिए। कीचड़ में तो कमल खिलते हैं, यहाँ धूल में फूल खिला हुआ है, वो भी सूरजमुखी का, पीला पीला महकता हुआ। वाह वाह। अगर यार लोगों को ये फूल इतना ही पसंद है तो ये सूरजमुखी का फूल रात भर हमारी आगोश में महकेगा दोस्त। अरे दरिया तेरा जवाब नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बाहर बाहर गुंडे। बाहर गुंडे हैं मेरी जान, मगर अंदर शेर हैं शेर। गुंडों से बचकर तो तू आ गई मेरी बुलबुल, लेकिन हमसे बचकर कहाँ जाएगी? हाथों आ जा मेरी चमक छल, मेरी जान। मुझे छोड़ दो, ये दवा मेरी माँ के लिए है। अरे ये तो तेरी माँ की दवा है बुलबुल, तू तो हमारी दवा है, चांद जा रही है मेरी जान। Thank you.
रूपा तू रो काहे रही हो बेटी? हाँ? अरे डॉक्टर ने कुछ कहा हमारे बारे में? हाँ? बोलते क्यों नहीं? हमारी बच्ची माँ रूपा बता बता किसने तोड़ी ये हालत की? किसने तोड़ी ये हालत की? ले चल ले चल मुझे उन कुत्तों के पास ले चल, मैं उनका खून पी जाऊंगी। माँ 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 आंखें खोल, माँ माँ आंखें खोल, माँ माँ आंखें खोल। माँ रूपा मेरी बच्ची रूपा वो लॉकेट लॉकेट बेटी वो लॉकेट तुम्हारे सूर्यवंशी खानदान की निशानी है। सूर्यवंशी खानदान? ईरास पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था कि तू सूर्यवंशी खानदान की निशानी है। शक्ति सिंह और डाकू सैतान सिंह ने तेरे बाबा ठाकुर अर्जुन सिंह को मार डाला था। अब क्या? तुम दोनों जुड़वा बहने हो, तुझे मेरे पति ने लाकर मेरे हवाले कर दिया था और मैं तेरी जान बचाने की खातिर इस गांव में भाग आई थी। हाँ बेटी, हाँ तेरी माँ और बहन और आबरू कर डाला और इस जात की इस अपमान से धरती का कलेजा कांप उठा। इसलिए मैंने हाथ की चूड़ियां तोड़कर बंदूक उठा ली उन जालिमों के खिलाफ। कुछ पापियों को तो मैंने मार डाला, लेकिन अफसोस शक्ति सिंह और शैतान सिंह बच निकले। लेकिन वो मेरे निशाने से हरगिज नहीं बच सकते। शाबाश, भवानी तुम्हारे हौसले और बुलंद करे। शक्ति सिंह और शैतान सिंह जैसे पापी जो औरतों को कम सौर समझते हैं, उनका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दे। संभाल ये आग उगलती बंदूक उन जालिमों के खिलाफ। भगवती, तुम्हारे पवित्र खून की कसम, अपने शरीर के अपमान का, जब तक उन जालिमों का सर काटकर मैं मां के चरणों में नहीं डालूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। कसम काली की, जय मां काली।
भूपतू डाकू? हाँ ठाकुर, कल की सीधी सादी रूपा को तूने आज डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। कल तूने मेरी इज्जत पर डाका डाला था, आज मैं तेरी जिंदगी पर डाका डालने आई हूं। रूपा, मैं तुझसे अपने जीवन की भीख मांगता हूं। रूपा, भीख में रोटी मिल सकती है, जीवन नहीं। दौलत मिल सकती है, इज्जत नहीं। रूपा देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। रूपा, तूने इन्हीं हाथों से मेरी अस्मत का दामन तार तार किया था, आज इन्हीं हाथों से तू अपने कपड़े उतार कर अपनी मौत के सामने नंगा होगा। नहीं रूपा, नहीं नहीं। उतारता हूं, उतारता हूं, पर मुझे मारना मत रूपा, मुझे मारना मत। अब उठा कुदाल। कुदाल? उठा। उठाता हूं। यूं तो इंसान को अपनी कब्र में उतरने के लिए चार आदमियों की जरूरत होती है, लेकिन आज तू अपने आप को अकेला अपनी कब्र में उतारे। नहीं रूपा, नहीं, मुझे जीते जिस मौत के कुएं में मत उतार। अब दफन कर अपने आप को अपनी गर्दन तक। नहीं रूपा, नहीं, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। रूपा, बशर्ते कि तेरी जिंदगी तेरा साथ दे। कुत्ते, डाल मिट्टी अपने ऊपर। बोलो क्या करूं जतन,
ये डबा नहीं, कैमरा है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो अभी आपकी तस्वीरें खींची ना वो है। बिना मेरी इजाजत के? वो आइंदा खींचूंगा ना तो आपसे पूछकर। क्या मैं ऐसे देख सकती हूँ? हाँ, शौक से। अरे, मेरा घाघरा कहाँ है? कहाँ गया? पता नहीं। कौन हो तुम? अरे मेरे कान। अरे तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी। मैंने अपनी तस्वीर खींचने नहीं दी, इसलिए तुम अपने औकात पर आ नहीं गए। अपने किराए के गुंडों से बचाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम शहरियों की दांव पेच बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चलो अपना रास्ता आपो। अरे मेरी बात सुनो, अजीब लड़की। कौन था वो जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन गया? पहली बार इस इलाके में आया था ठाकुर साहब, कोई अजनबी लगता है। हवलदार साहब, अरे तुम फिर आ गए अपनी असीम का कमाल दिखाने। तुम्हें अरे बरखा, ये क्या कर रही है तू? भैया, ये लफंगा तालाब से मेरा पीछा कर रहा है तेरी। अरे तो? जानती है ये कौन है? विक्रम सिंह जी। और ये दूध भाई है इंस्पेक्टर अकरम खान के, जिनके साथ में कभी हवलदार हुआ करता था, और उन्हीं के साथ डाकू शैतान सिंह से हुई मुठभेड़ में
मेरी टांग चली गई। इस राह पर तुम्हारी इस कुर्बानी से खुश होकर गवर्नमेंट ने तुम्हें तरक्की में पेंशन दे दी और अकरम भाई के वर्दी में एक स्टार और बढ़ा दिया। तुम्हारे हौसले और बुलंद रहे, मेरी तुम्हारे लिए हमेशा यही दुआ है। ये रहे तुम्हारी तरक्की के दमगे। गॉड ब्लेस यू। कमिश्नर साहब। विक्रम तुम हाउ आर यू? फाइन सर। भाई तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कमिश्नर साहब, अगर मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली तो पता नहीं आपका पुलिस डिपार्टमेंट मुझे कहाँ अपॉइंट कर दे। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अकरम भाई से दूर रहूं। मैं इनके साथ साय की तरह रहना चाहता हूं। लेकिन उन डाकुओं ने मौका पाकर अकरम भाई को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें आसपास के जंगलों में यहीं कहीं कैद कर रखा है। क्या साहब को कैद कर रखा है? हाँ, अकरम भाई ने जिन डाकुओं को पकड़ा था अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। लेकिन इसी बीच डाकू शैतान सिंह ने अकरम भाई को अगवा करके गवर्नमेंट के सामने यह शर्त रख दी कि अगर वो अकरम भाई की जिंदगी चाहते हैं तो उसके डाकुओं को छोड़ दे, वरना वो अकरम भाई को पाने। अरे जालिमों, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। प्यास बुझ सकती है अकरम खान, मगर पानी से नहीं, शराब से। शराब मेरे मजहब में हराम है शैतान सिंह, हराम है। लेकिन मेरे लिए तेरा खून पीना हलाल है, क्योंकि तूने मेरा हुक्म नहीं माना। अब भी कमिश्नर को खत लिख दे, मेरे आदमियों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए उन मासूम बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता जिनको तूने अनाथ कर दिया है, उन दुखी सुहागनों की आहों को बेकार नहीं कर सकता जिनको तूने विधवा कर दिया है, मैं उन बहनों की पुकार को धोखा नहीं दे सकता जिनको तूने बेसहारा कर दिया है। शैतान सिंह, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर तुझे तुझे तेरे जुल्मों की और गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। खामोश अकरम खान। अब भी होश में आ जा और मेरी बात मान ले। तू शायद नहीं जानता कि यहां का जर्रा जर्रा मेरे खौफ और दहशत से कांपता है। जानवर भी मेरा नाम सुनकर छिप जाते हैं। तुझे डर नहीं लगता? जो इंसान खुदा से डरता है, दुनिया की हर चीज उससे डरती है। तूने अपनी मौत के डर से मुझे कैद कर रखा है शैतान सिंह, कर आजाद और फिर देख तमाशा, देख मैं तुझे कैसे कानून के फंदे पे लटकाता हूं। कानून के कुत्ते, अब भी मेरी बात मान ले, वरना ये पुलिस की वर्दी तेरा कफन बन जाएगी। अरे ये कफन तो खुश नसीबों को मिलता है शैतान सिंह, खुश नसीबों को मिलता है। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर प्यासा मरूंगा। मैं करबला के शहीदों की प्यास याद करके मरूंगा। जन्नत, जन्नत में मेरा मुकाम होगा। आबे कौसर से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। देखता हूं तेरा यह हौसला कब तक तेरा साथ देता है। अरे मेरा यह हौसला हजरत इमाम हुसैन का है, हजरत अब्बास का है। जब भी जुल्म के आगे इंसानियत के कदम डगमगाए हैं, तब हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास अली और शहीदाने करबला की मिसाल ने उन्हें सहारा दिया है। मुझे भी अल्लाह के हुक्म से उन्हीं का सहारा है शैतान सिंह।
इस खुदा के बंदे और कानून के गुलाम को अंधा कर दो और इसे जिंदा रखो ताकि इसकी मदद से हम अपने साथियों को कानून के हाथों से छुड़वा सकें। सरदार, सरदार, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि ठाकुर एसपी सिंह हनुमान जी के मंदिर को टेकड़ी के रास्ते से होकर गुजरने वाला है। अच्छी खबर दी है तुमने, आज एसपी सिंह नहीं बचेगा। अरे किपी, तुम्हारी हालत? कमीने, तेरी भी यही हालत होगी कुत्ते। हमारे इलाके के दो जागीरदारों के सर उनके धड़ से अलग कर दिए गए और आपकी पुलिस कुछ ना कर सकी? जी ठाकुर साहब। क्या जी ठाकुर साहब, क्या फायदा हुआ मुझे बड़े बड़े ऑफिसरों की खुशामद करने का या पर पुलिस स्टेशन खुलवाने का? ठाकुर साहब, इस बात का पूरा यकीन है पुलिस को, इसमें डाकू रूपा का ही हाथ है। ये हरकत डाकू रूपा की है, ये सब जानते हो? अभी तक आपकी घटिया पुलिस सोई हुई है। पुलिस अपना फर्ज जानती है ठाकुर साहब। ये देखिए, पुलिस ने डाकू रूपा का पोस्टर छपवा कर 20,000 रुपए के इनाम भी घोषित कर दिया है। जैसे मेरी नाप के हैं। ए लड़की। जी सरकार। तुमने आज किसी डाकू जाते हुए देखा है? उसने नीला शर्ट और नीला पैंट पहना हुआ है। उसके हाथ में बंदूक भी थी? हाँ हाँ हाँ। उस तरफ गई है सरकार। अच्छा चलो 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 चलो। कौन हो तुम? बड़ा नादान है रे टांगे वाले,
डाकू रूपा से पूछता है कि कौन है वो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? इंतकाम। किसका? बंजारन बिजली के खून का। अरे तो ले लो ना। क्या मर गई वो? मरी नहीं, मार दी गई है, और उसकी मौत के जिम्मेदार हो तुम। मैं? तुमने पहले उसे अपनी नजरों से घायल किया, उसका दिल लूटा, रातों की नींद लूटी, दिन का चैन लूटा। ये सब लूट का माल वापस करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। वैसे उसकी लाश कहाँ पड़ी है? तुम्हारे सामने खड़ी है। दुनिया के लिए जिंदा है मगर तुम पे मर चुकी है। आश्ता बोलो, अगर घोड़े ने सुन लिया तो वो भी हंस देगा। चुपे जाओ, जाओ जल्दी से जाके ये कपड़े बदल लो। अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो डाकू समझ के धुशुम धुशुम गोली मारता, समझे? अरे अरे विजय मेरी बात तो सुनो। अरे अरे जाता कहाँ है? सुनने के लायक हो? अरे ठीक है, जाता है तो चला जा, लेकिन याद रखना एक दिन ढूंढता हुआ खुद मेरे घर आएगा। खबरदार! कौन है तुम? अरे माँ मैं बिजली, मैं नदी में से नहा के निकली तो मेरे कपड़ों की जगह ये थे। लगता है माँ कोई डाकू पुलिस से बचने के लिए मेरे कपड़े पहन गया। क्या सोच रही है माँ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी ये कपड़े। हाँ देखना माँ, लगता है एक ही नाप के सिले हैं, एक ही हाथ पैर, एक ही ऊंचाई, एक ही जिस्म। माँ मेरा कोई जुड़वा भाई या बहन तो नहीं? जुड़वा? क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। हे देवी माँ, कहीं ये कपड़े मेरे जुड़वा बेटी के तो नहीं? शायद हालात ने उससे डाकू बना दिया हो, लेकिन नहीं, मेरी बेटी डाकू नहीं बन सकती। आज तक मैंने अपनी बेटी बिजली को उसके जुड़वा बहन के बारे में नहीं बताया। अगर बता दूंगी तो अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ेगी और दुश्मनों की नजर में आ जाएगी और शक्तिशील उसको मार डालेगा। माँ इन कपड़ों से मुझे मेरी माँ के दूध की और मेरी बहन की खुशबू आ रही है। मैंने अपनी माँ और बहन को कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, मुझे मेरी माँ और बहन से मिला दे माँ, और उन लोगों से भी मिला दे जिनकी वजह से मैं अपनी माँ और बहन से अलग हुई हूँ। मुझे शक्ति दे माँ। मैं तुझे गोली मारने नहीं, अपनी अमानत लेने आई हूँ। निकाल मेरा लॉकेट। ले अभी ले, अभी ले, अभी ले। कोई खबर न कोई इतला। ये देखो शैतान सिंह, डाकू रूपा ने मौत का फरमान भेजा मेरे नाम। तो आप चाहते हैं कि होली से पहले रूपा का खून बहा दिया जाए? ये लो। बहुत कम कीमत लगाई है आपने अपनी जान की। आज आपने खुद कैसे कष्ट किया ये जानने के लिए कि भगवती को भगवान के घर भेजने के बाद ये दूसरी कौन सी भगवती पैदा हो गई है जो हमारे इलाके में सर उभार रही है? रूपा, भगवती से ज्यादा खतरनाक
और जहरीली नागन है ठाकुर। हमने बड़ी बड़ी नागिनों का जहर निकाल कर फेंक दिया है रघुनाथ सिंह, हमें सिर्फ उसका पता ठिकाना चाहिए। सब ठीक है ना? हाँ सरदार। खानदानी हार है, ये तो सिर्फ हमारे बड़े भाई अर्जुन सिंह और हमारी भाभी शारदा देवी के पास था। तुम्हारे पास कहां से आया? रूपा के अड्डे पर उसके गले से गिर गया था। इसका मतलब ये हुआ कि डाकू रूपा हमारे बड़े भाई अर्जुन सिंह की औलाद है। लेकिन तुमने तो हमें यकीन दिलाया था कि तुमने उस पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। सरकार, आप किस्मत के धनी हैं। अगर उस वक्त वो किसी वजह से बच भी गई होगी तो अब मर चुकी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तालाब का जल उसके लहू से लाल हो गया था। आ, 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 आ,
मछली मर गई क्या? अरे और होश में है तुम? कहा था ना डाकू की वर्दी मत पहन, मार दी ना पुलिस ने गोली। उठा के आओ ले जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अजनबी। शुक्रिया, अब ठीक है? ज्यादा ज्यादा बोल मत, अब तुझे आराम की जरूरत है। मैं तेरी माँ को लेके आता हूँ। माँ को ले आओ। अरे ये घूर घूर के क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तू लड़की है या हवाई जहाज। हवाई जहाज क्या मतलब? मतलब तू मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो तुझे अपने बिस्तर में छोड़ के आया था। बिस्तर में? अरे जब प्यार होता तो बिस्तर में क्या, रजाई के अस्तर में, अंदर में, बाहर में, सब जगह प्रेमिका ही नजर आती है। जैसे तू मुझे चांद में, सूरज में, बादल में, आटे में, चावल में, चीनी में, तवे में, गोभी, आलू में, करेले में नजर आता है। करेले में? अच्छा ठीक है ठीक, मैं तो कहीं भी नजर आता हूँ। तू मेरे बिस्तर में थी ना? क्या बिस्तर बिस्तर लगा रखा है, क्या सबूत है मैं तुम्हारे बिस्तर में थी? सबूत क्यों, मैंने तेरे साथ कुछ किया था? क्या किया था मैंने? मेरे बिस्तर पर तेरे खून के दाग हैं। तेरे बिस्तर पर मेरे खून के दाग? हस्ती क्या है, चल मेरे साथ दिखाओ तुझे। अरे ना खून के दाग ना गोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तुमने जरूर मेरे नाम का कोई सपना देखा होगा। नहीं, किया था, याद आया। अरे क्या कर रहे हो, क्यों चुनरी उतारू? वो कुछ नहीं, मैंने तेरे यहाँ देखना है, यहाँ। शादी हो जाए फिर सब कुछ देख लेना। जी मुझे वो सब थोड़ी देखना है, मैंने तो तेरे साथ कुछ यहाँ किया था। मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? तुम अपने आपर से अपना काबू क्यों खो बैठते हो? मैं क्या करूं बिजली, आज भी उसकी रिवॉल्वर की गोली का छर्रा मेरे दिमाग की नसों में गर्दिश कर रहा है। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने मासूम भाई के कातिल के जिस्म से उसके खून की आखिरी बूंद तक नहीं निचोड़ूंगा। मजा आ गया। तू जिंदा है? हाँ, मैंने कसम खाई है कि मैं तुझे पिस्तौल की गोली से नहीं, तेरा सर काट कर काली माँ के चरणों में चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो रूपा, मुझे मत मारो। चल। डाकू रूपा जिंदा है? ठाकुर साहब कहाँ है? सरदार, डाकू रूपा जिंदा है। क्या? क्या पक्का? हाँ सरदार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डाकू रूपा
ठाकुर साहब को लेकर काली मंदिर की तरफ गई है। तुम मुझे नहीं मार सकती रूपा, क्योंकि थोड़ी देर में शैतान सिंह आके तुम्हें खत्म कर देगा। शैतान सिंह, चुप मुंडी कटे, वो देख अपने गुनाहों का पार्टनर आ गया है। अबे चुपे। विक्रम अपने भाई इंस्पेक्टर अकरम को शैतान सिंह के कैद से छुड़ाने आया हूं। आप इंस्पेक्टर अकरम के भाई? दूध भाई, लेकिन आप और आपके पीछे ये डाकू। मैं भी जानी दुश्मन हूं डाकू शैतान सिंह की। फिर तो आपको उसका पता ठिकाना मालूम होगा। अब तो मुझे उसी के ठिकाने की तलाश है। उसने मेरे अनगिनत साथियों का खून बहाया है। शैतान सिंह, आज से 15 साल पहले तुमने कहा था कि अर्जुन सिंह के खानदान के वारिस को मगरमच्छ चबा गए होंगे। 15 साल के बाद कहा था कि तुमने अपनी पिस्तौल से उसका सीना छलनी कर दिया था, और आज फिर कह रहे हो कि वह जिंदा है। शैतान सिंह, अगर रूपा जिंदा है तो मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। हाय, कहीं मौत ना आ जाए ठाकुर साहब आपकी कलाई में। संबलपुर की सब्जबरी का सलाम। आपके नाम मुबारक हो हुजूर, रंगीन हो गई आपकी शाम। मेरा सलाम। अपने सब्ज परी से कहिए कि लाल परी का जाम लेकर आए अपने गुलफाम के नाम।
जल्दी। निगाहों में शोखी, अदाओं में बिजली, कयामत कहीं से चली आ रही है। बंदी आदाब बजा लाती है। आए, आदाब तो तुमने बजा दिया, अब मैं क्या बजाऊं? हुजूर को गलत फहमी हुई है, बंदी आदाब अर्ज करती है। हाय 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 हाय, क्या अर्ज है? यही तो हमारा मर्ज है। क्या नाम है तुम्हारा जाने मन? कयामत। हाय, कयामत बनकर टूट पड़ो हम पर। कयामत बनकर जरूर टूटूंगी, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है। इस जाम की क्या जरूरत है जाने मन? आज तो हम तुम्हारी मदहोश जवानी के छलकते हुए जाम पिएंगे। नहीं हुजूर, पी लीजिए, ये आपकी जिंदगी का आखिरी जाम है। आखिरी? रूपा, तुम? बकरी के सीने में शेरनी का दिल कहां से आ गया? जख्मी औरत जब अपना रूप बदलती है तो बकरी से शेरनी बन जाती है। और तुम जैसे पापियों को खून में डुबो देती है। कौन हो तुम? संबलपुर की सब्ज परी। तो सब्जी लाओ। सब्जी? आपने तो लाल परी का जाम कहा। हाँ, लाल परी का जाम। नहीं नहीं, मैं शैतान सिंह के अड्डे का पता नहीं बताऊंगा, वरना वो मुझे मार डालेगा। अगर वो तुझे नहीं मारेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। बता, वरना ये बंदूक तुझे मौत का रास्ता बता देगी। सावधान रहना। सब मर गए। हाँ, अक्रम, विक्रम, विक्रम, अक्रम, विक्रम मेरे भाई, तू ठीक तो है? ठीक हूँ। कौन है? ये रूपा है। अगर ये ना होती तो कयामत तक भी मैं तुम तक नहीं पहुंच पाता। यानी एक डाकू तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक डाकू का सहारा लेना पड़ा। ये पेशावर डाकू नहीं है, बल्कि शैतान सिंह के जुल्म सितम की शिकार है। ओह, मुझे माफ कीजिएगा, आपका ये एहसान तो आप लोगों का है मुझ पर। ना आपके भाई विक्रम से मुलाकात होती, ना मैं शैतान सिंह के अड्डे तक पहुंच पाती। यानी तुम्हारी मंजिल भी शैतान। ये तूने क्या किया मेरे भाई? मेरी जान क्यों बचाई? अगर आज मैं तुझ पर कुर्बान होता
तो माँ के दूध का कर्ज अदा हो जाता। इन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। मेरा आखिरी वक्त आ गया भाई। मुझे नहीं, मुझे मेरी अम्मी जान के पास ले चलो। मैं अपना दम अपनी अम्मी जान के कदमों में तोड़ना चाहता हूँ। अपनी अम्मी जान के कदमों में तोड़ना चाहता हूँ। अम्मी जान, मेरे लाल विक्रम, इसे क्या हुआ मेरे बेटे? माँ अक्रम को संभालिए, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। भाई अक्रम, मुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? मेरी आंखों के सामने रहो। इस आखिरी वक्त में मुझे सिर्फ अपनी जान के साये की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो मेरे बेटे, ऐसा मत कहो। अम्मी जान, मुझे मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान। नहीं बेटा, मैंने कभी आपको आंसू के सिवा और कुछ नहीं दिया। मेरे अल्लाह, फर्ज और कुर्बानी की राहों से चंद सांसें बचा के लाया हूं। ये आपकी अमानत है अम्मी जान। आप इस अमानत को खुदा को सौंप दीजिए। अक्रम, अक्रम, इलाह, अक्रम, इल्लल्लाह। अक्रम इसे क्या हो रहा? मोहम्मद मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए। हाँ मुझे अम्मी जान, अम्मी जान, ये नहीं हो सकता। अम्मी जान, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अम्मी जान, आपकी दूध का कर्ज और आप अक्रम भाई की मोहब्बत का हक तब तक अदा नहीं हो पाएगा जब तक मैं शैतान सिंह के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चीलकों को न खिला दूं। सरदार, डाकू रूपा विक्रम अक्रम को छुड़ा कर ले जा रही थी। मैंने अक्रम को गोली मार दी, लेकिन डाकू रूपा ने मुझे गोली मार दी। सरदार, डाकू रूपा को मैंने बंजारों की भेष से बंजारों की बस्ती में जाते हुए देखा है। हाँ सरदार, बंजारों की बस्ती में आग लगा दो।
तुम्हारी माँ बहुत बुरी तरह जल गई है। इनकी स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और उस पर काफी खर्च आ जाएगा। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 15-20 हजार। 15-20 हजार? अरे पहचाना इसको? डाकू रूपा से इसका चेहरा बहुत मिलता जुलता है। डाकू पीछे यार की डाकू, पकड़ो इसे, पकड़ो 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 इसे। मेरी माँ की जान बच सकती है। क्या तुम डाकू? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा कल का रूप कुछ और था और आज आप ये देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा। अजूब है, तुम्हारी शक्ल और सूरत और बातचीत से तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एक खतरनाक डाकू हो। मेरे हालात ने मुझे डाकू बना दिया डॉक्टर साहब। जो भी मुझे जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले करेगा उसे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। मैं चाहती हूँ आप ये रुपए हासिल कर लें ताकि ताकि मेरी माँ का इलाज कर सके। ये क्या कह रही हो तुम? जानती हो कानून तुम्हें क्या सजा देगा? मौत। अगर मेरी मौत से मेरी माँ को जिंदगी मिलती है तो मैं हर जन्म में अपनी माँ के लिए मौत को गले लगा लूंगी। लेकिन बेटी, मैं एक डॉक्टर हूं, मरते हुए इंसानों को जिंदगी देने की कोशिश करता हूं। मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं जानबूझकर तुम्हें मौत के हवाले कर दूं। नहीं डॉक्टर साहब, आपको मेरी माँ की जिंदगी के लिए मेरी ये मदद करनी ही होगी। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, वरना वक्त अपनी कीमत खो देगा। आपको मदर मैरी की कसम। मदर मैरी, ये किस आजमाइश में डाल दिया अपने बंदे को? प्लीज हेल्प मी मदर, हेल्प मी। आप भी कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, इतनी खतरनाक डाकू का इतना आसान आत्मसमर्पण। आप मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी आप ही की तरह एक जिम्मेदार अहदा संभाल रखा है। ठीक है, अगर आप ऐसा रूपा की बातों पर यकीन करते हैं तो मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूं कि कल चारमारी के मैदान में ठीक 11:30 बजे। जी सर, ये है डॉक्टर डिसूजा। हेलो सर। ठीक है, लेकिन डाकू रूपा कहाँ है? वो ठीक 11:30 पर यहां पहुंच जाएगी, टाइम तो हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपको और पुलिस को बेवकूफ बनाया हो? उसे पुलिस को बेवकूफ बनाकर क्या मिलेगा सर? डॉक्टर डिसूजा, जब उसने आपको यहां आने का वादा किया था उस वक्त वहां कोई मौजूद था? जी हाँ। कौन? मदर मैरी। आपने भी किस पे बात कर दिया डॉक्टर। डाकू की नजर में भगवान, खुदा, सन ऑफ गॉड, मदर मैरी, इन सब की कोई वैल्यू नहीं।
भला जानबूझकर मौत के मुंह में कोई क्यों आएगा डॉक्टर? वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके जुर्म की सजा फांसी है। गोली मत चलाइए। अगर उसने गोली चला दी तो मुझ पर भरोसा रखिए कमिश्नर साहब। दूसरों के दुखों पर बलिदान होने वाले कभी किसी को धोखा नहीं दिया करते। डाकू रूपा, अपनी बंदूक फेंक दो। कमिश्नर साहब, पहले डॉक्टर डिसूजा को 20,000 की रकम अदा कर दी जाए। इंस्पेक्टर सिंह। यस सर। ये लीजिए 20,000। डॉक्टर डिसूजा को दो। रूपा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। समर्पण, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ गया विक्रम, मेरी दूध मां की वो बातें जो उन्होंने मुझे आखिरी वक्त में कही थी। वाकई ये तस्वीर तुम्हारी जुड़वा बहन की है? हाँ विक्रम, अगर एक तरफ मेरी इज्जत के लुटेरे और मेरे पिताजी के कातिलों की तलाश मेरी जिंदगी का मकसद था, तो दूसरी तरफ मेरी सगी मां और मेरी जुड़वा हमशक्ल बहन की तलाश का। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने मेरी पहचान लेकर आत्मसमर्पण क्यों किया। रूपा, हाँ? तुमसे कोई औरत मिलने आई है? कौन हो तुम? रूपा, डाकू यहां? हाँ, लेकिन तुमने मेरा रूप क्यों धारण किया? ताकि तुम्हारे सर का इनाम मुझे मिल जाए और मेरी मां की जिंदगी बच जाए। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम मेरी हमशक्ल? हाँ, इसलिए कि मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूं। बहन? आ मेरी बहन, तुझे अपने सीने से लगाकर अपने दिल के अरमानों को तसल्ली दे लूं। रूपा, मुझे रूपा नहीं बहन कहकर पुकारो। जब से मेरी दूध मां ने मुझे सच्चाई बताई है,
कि हम ठाकुर अर्जुन सिंह और शारदा देवी की औलाद हैं और हमारे पिताजी का कातिल शक्ति सिंह है। हम दोनों बहनें एक माँ की गोद में दूसरी नौकर की गोद में एक दूसरे से अलग हो गए। कोई पल ऐसा नहीं गुजरा जो तेरी और माँ की तलाश से खाली रहा हो। अब समझ में आया कि माँ हर जन्मदिन पर दो थालियां क्यों सजाती थी। क्या माँ दो थालियां सजाती थी तेरे जन्मदिन पर? कितनी बदनसीब हूं मैं कि हम मिले भी तो जिंदगी के उस मोड़ पर। निराश ना हो बहन, तेरी बहन कुर्बान हो जाएगी तुझ पर। मेरे डाकू बनने की सजा मैं तुझे हरगिज नहीं भुगतने दूंगी। नहीं बहन, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना वरना पुलिस मुझे कानून को धोखा देने के जुर्म में और तुम्हें तुम्हारे जुर्म में फांसी दिलवा सकती है। तुम मेरी परवाह ना करो बहन। नहीं बहन नहीं, जो कुछ हो रहा है होने दो, वरना हमारी माँ बेसहारा हो जाएगी, उसका बुढ़ापा रास्ते की धूल बन जाएगा। लेकिन इस वक्त माँ कहाँ है? डॉक्टर डिसूजा के अस्पताल में। क्या बेटी, तेरे आंसू थम क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें बहने दो माँ, ये तुम्हारी गोद से बिछड़े वो आंसू हैं, जो न जाने कितनी मुद्दतों से तुम्हारी ममता के आंचल में समा जाने के लिए तरस रहे हैं। बिजली? नहीं माँ, मैं बिजली नहीं। बिजली? ये क्या भक रही है तू? मैं बिजली नहीं हूँ माँ, बचपन में तुम्हारी गोद से बिछड़ी हुई तुम्हारी दूसरी बेटी रूपा हूँ। रूपा? मेरी दूसरी बेटी? हाँ, मुझे मालूम था बेटी तू एक न एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन बिजली कहाँ है? बिजली नहीं बताया माँ कि तुम यहाँ हो। तो तुम बिजली नहीं? जी नहीं, मैं इसकी जुड़वा हमशक्ल बहन रूपा हूँ। डाकू रूपा, सबूत क्या है? ये देखिए निशान, ये गोली आप ही ने निकाली थी। लेकिन बिजली को तुम्हें यहाँ छोड़ के गया था माँ जी के इलाज के लिए, रुपए लेने के लिए। और बिजली ने ये कुर्बानी दी माँ के ऑपरेशन के लिए, जो मेरे सर पर 20,000 रुपए का इनाम था। बिजली ने डाकू रूपा बनकर अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया और 20,000 रुपए का इनाम हासिल कर लिया। माँ को एक बेटी मिली तो दूसरी बेटी छीन ली जाएगी। ममता के आंसू फिर खून के आंसू होंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं कभी नहीं होने दूंगा। सज्जन। यस सर। आप सारे काम छोड़िए और रूपा डाकू को संडे जेल पहुंचाइए। ओके सर। और हाँ, सख्त पहरे में। यस सर। तुम रूपा और बिजली को लेकर अस्पताल पहुंचो, मैं और रिजर्व पुलिस को डॉक्टर जाके आते हैं। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा। माँ। डॉक्टर। डॉक्टर रूपा, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। अगर तुम अपनी माँ की जिंदगी चाहती हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, तू आज रूपा का असली रूप देखेगा। लेकिन शक्ति सिंह की नजरों में तो रूपा मैं हूँ, लेकिन असली रूपा मैं हूँ। लेकिन शक्ति सिंह को यह मालूम नहीं कि हम दोनों जुड़वा बहन हैं। वो हमेशा से यही समझता आ रहा है
कि ठाकुर अर्जुन सिंह और शारदा देवी की एक ही औलाद है। मां की जिंदगी की खातिर मैं जाऊंगी मौत को गले लगाने। नहीं बहन, मैं डाकू हूं, कातिल हूं। मेरा अंजाम तो वैसे भी फांसी है, और तुम मासूम हो, बेगुनाह हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नहीं, मरने का हक मेरा है और जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। मैंने तो मां का दूध पिया है, उसकी गोद में परवरिश पाई है, उसके हाथों से खाना खाया है। तुमने तो सिर्फ दर दर की ठोकरें खाई है, उसके प्यार और उसके साए को भी तरसती रही हो। मुझे तो सब कुछ मिला है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बहन, मुझसे मेरा हक मत छीनो। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। नहीं बिजली, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम्हारा ये बलिदान मुझे खुशी नहीं, हम देगा। हम के रिश्ते खुशियों के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं मेरी बहन। मुझे जाने दो। नहीं, मैं कहती हूं हट जाओ। नहीं, मुझे मजबूर ना करो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बहन होकर बहन पर हाथ उठाओगी? तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अगर मुझे यह भी करना पड़े तो। मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। मैं जा रही हूं, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम कभी नहीं मिल सकेंगे। बिजली, तू मेरी जान ले रहे, मेरी बेटी की जान बख्श दे, मेरी बेटी की जान बख्श दे। घबराओ नहीं शारदा देवी, हम बहुत रहम दिल आदमी हैं। एक साथ दोनों को नहीं मारेंगे, एक काम करेंगे, पहले तुम्हारी बेटी को मारेंगे और फिर तुम्हें। लो, आ गई तुम्हारी बेटी। बेटी, हम जानते थे कि तुम अपनी मां की जिंदगी का सौदा करने जरूर आओगे। मौत के सौदागर, आज मैं तुम्हारे जुल्म और अपने हौसले की इंतहा देखने आई हूँ। वाह, ऐसे जिगर वाले दुश्मनों की हम बहुत इज्जत करते हैं। बताओ, तुम कौन सी मौत मरना पसंद करोगी? जिस मौत से तुम्हें खुशी हासिल हो। मैं तुम्हें शराब में जहर मिला के पिलाऊंगा, ताकि मछली की तरह तड़प तड़प कर तुम्हारा दम निकले। मैं अपनी मां की जिंदगी की खातिर किसी भी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं। शाबाश बेटी हो तो ऐसी। आज हम इस डाकू रूपा को दुल्हन की तरह सजाकर इसकी रंगीन हसीन जवानी का आखिरी नाच देखेंगे। चल जा। शैतान सिंह, आज हम जीत गए। लेकिन ठाकुर साहब, इसकी अभी कुछ सांसें बाकी हैं। कोई बात नहीं, जला दो इसकी सांसें इसकी मां की चिता के साथ, ताकि इसकी सारी जायदाद का हक हमें मिले। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, रूपा की मां वहां नहीं है। रूपा तुम? रूपा नहीं, बिजली हूं मैं। बिजली? हाँ, हैरान ना हो शक्ति सिंह, भगवान ने शायद आज ही के दिन के लिए हम दोनों जुड़वा बहनों को पैदा किया था, ताकि अगर एक तेरे जुल्म का शिकार हो जाए तो दूसरी यानी कि मैं तुझे मौत का निवाला बना दूं। वाह, बड़ी बहादुर हो, बिना किसी हथियार के मौत के अखाड़े में लड़ने के लिए आ गई हो।
शैतान सिंह, इस बिजली को भी इसकी बहन रूपा की तरह मौत की नींद सुला दो। ऊपर देख शक्ति सिंह, तेरी मौत तेरे सर पे खड़ी है। तू अब तक मेरे छोटे भाई के कातिल? सिर्फ तेरे छोटे भाई का ही नहीं, तेरा भी कातिल हूं। लेकिन ताजुब यह है कि तू अब तक जिंदा कैसे है? अपने छोटे भाई के खून का बदला लेने के लिए जिंदा हूं। बदला लेने से पहले आज तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देख, तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है। देखी मेरी शतरंजी चाल? शतरंजी चाल इसे कहते हैं शैतान सिंह। फेंको बंदूकें, फेंको, हट। बिजली, तुम मां रूपा को संभालो। रूपा, मुझे काली माँ के चरणों में ले चलो।
नहीं रूपा, मेरी सौगंध अधूरी है। मुझे अफसोस है कि मेरी मौत खाली हाथ जा रही है काली माँ के चरणों में। जगदीश सिंह का सर नहीं है। मासूम भाई के खून की एक एक बूंद का बदला लूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। हाथ तो तू जोड़ नहीं सकता, बोलने के काबिल में तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते। Oh
क्या हुआ रूपा? मुझे रूपा, 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 माँ, बेटी, बरखा, रूपा, बिजली, रूपा, नहीं बिजली, आज जो मुझे इस मौत से खुशी मिली है, वो जिंदा रह, रहकर भी नहीं मिली थी, नहीं रूपा माँ, बेटी, माँ, माँ, मैं इस दुनिया में रोते हुए आई थी और हंसते हुए जा रही थी। विजय, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी सौगंध पूरे करने में मदद की। बेटी, बिजली, नहीं रूपा, नहीं मेरी बच्ची, बिजली का